नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल खाना पचाना में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट सैंडविच, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। और ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो और सुबह के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो। और कोई घर में आया हो तो जल्दी से जल्दी फटाफट ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हो ये चॉकलेट सैंडविच, क्योंकि बहुत ही टेस्टी। चॉकलेट तो हर किसी को पसंद होती है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है, तो ये बहुत झटपट तैयार होने वाले सैंडविच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमने कोकोआ पाउडर लिया है, दूध लिया है और बटर लिया है और शुगर ली है पीसी हुई। तो अब सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है और उसके ऊपर हमने सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स सारे हम स्ट्रेनर से अच्छे से छान लेंगे, ताकि हमारी जो चॉकलेट सॉस है वो एकदम स्मूथ और एकदम क्रीमी सी बने। तो अब हम इसको अच्छे से छान रहे हैं। और छानने के बाद हमने दूसरी तरफ क्या किया कि एक गैस के ऊपर एक पैन रखा है अब हमने ये छानते समय हमने आधी चम्मच जो है हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। और इन सारी चीज़ों को, कोकोआ पाउडर हुआ और पीसी हुई चीनी और कॉर्नफ्लोर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। तो अब हमारा ये इस तरह से छनकर पूरा पाउडर तैयार हो जाएगा। और ये मोटे मोटे लम्स बचे, ये हम इसको साइड में रख लेंगे। अब इसको सारे जो पाउडर है हमारा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा अच्छे से सारा मिक्स हो गया। तो अब हम गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और उसके अंदर हमने 1 कप दूध ले लिया है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको गर्म होने तक हम इसको उबालेंगे, अच्छे से बॉईल आने देंगे। और उसके अंदर हमने 1 चम्मच बटर लिया है और ये बटर भी हमारा उसी के अंदर बॉईल हो, दूध के साथ साथ बॉईल होते होते बटर पूरा मेल्ट हो जाएगा। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और अब हमारा बटर जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया और दूध में भी बॉईल डाल रहा है। तो अब हम धीरे धीरे 1-1 चम्मच करते हुए हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे वो हम इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दोस्तों, ये झटपट 5 मिनट में बनने वाला सॉस है, जो आप मार्केट से लेते हो ना हर्शीज की चॉकलेट सिरप, बिल्कुल ये वही है। तो अब आपको मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झटपट 5 मिनट में आप घर पे बनाइए। और आप चाहे तो ये आइसक्रीम के ऊपर डाल के खा सकते हो, ब्रेड सैंडविच बना सकते हो, और जैसे मर्जी आप यूज़ करो, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी है ये। तो इस तरह से मेरा सारा पाउडर जो है सारा इसके अंदर डल चुका है पैन के अंदर, और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा सिरप तैयार हो गया है बनकर और कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, अच्छे से मिक्स हो गया है और बहुत ही शाइन मार रहा है। तो अब हमने गैस ऑफ कर दी और अब हमने एक बाउल में वो सारा सिरप निकाल दिया और ठंडा होने दिया। अभी हमें आपको दिखाना है कि ये एकदम गर्म है, इसीलिए ये थोड़ा सा लिक्विडी सा है, पतला है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसको 15 से 20 दिन के लिए या महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो एयर टाइट जार में भर के। तो अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और उसके ऊपर हमने सारा स्प्रेड कर दिया ये चॉकलेट सॉस, बहुत अच्छे से लगा दिया। अब हमने इसको बीच में से कट कर देना है तिकोना सा सैंडविच की तरह पूरा, और ये हमारा चॉकलेट सैंडविच तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नई से नई वीडियो हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।